हेलो फ्रेंड्स, RHEL6 की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। ये WC कमांड सीरीज का फोर्थ वीडियो है और इस वीडियो में सीखेंगे कि यदि आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल के साइज चेक करनी हो या फिर आपको चेक करना हो कि उस फाइल में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने यूज हुए हैं तो वो कैसे करते हैं, वो इस वीडियो में सीखेंगे। तो इसके लिए आपको WC कमांड के साथ में या तो -c ऑप्शन यूज करना पड़ेगा या -m ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। यदि आप WC कमांड के साथ में -c ऑप्शन यूज करते हैं तो ये आपको अपने उस फाइल के साइज डिस्प्ले करेगा और ये जो साइज डिस्प्ले होगी वो बाइट्स में मेजर होगी। कि जैसे अगर 10 आया रिजल्ट में तो इसका मतलब ये है कि उस फाइल के साइज 10 बाइट है, ठीक है। अगर 20 आ रहा है इसका मतलब उस फाइल के साइज 20 बाइट है, ठीक है। और यदि आप -m ऑप्शन यूज करते हैं तो ये उस फाइल में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं उसकी विधि आपको शो करेगा। अगर 10 आ रहा है इसका मतलब 10 कैरेक्टर उस फाइल में यूज हुए। अगर 50 आ रहा है इसका मतलब 50 कैरेक्टर उस फाइल में यूज हुए। यदि आप -c ऑप्शन यूज करें चाहे आप -m ऑप्शन यूज करें, दोनों की वैल्यू आउटपुट में सेम आएगी। वो ऐसा क्यों होता है वो देख लीजिए कि जैसा अब आपको पता होगा कि कंप्यूटर में कोई भी एक कैरेक्टर लिखने के लिए एक बाइट यूज होता है, ठीक है। तो अगर आप 10 कैरेक्टर लिखेंगे तो उसके लिए 10 बाइट यूज होगा, ठीक है। तो मैंने पहले बता दिया है कि अगर आप -c ऑप्शन यूज करते हैं तो ये उसकी फाइल बाइट्स में शो करेगा, उस फाइल की साइज बाइट्स में शो करेगा। तो यदि किसी फाइल की साइज आउटपुट में डिस्प्ले हो रही 50 बाइट तो इसका मतलब ये है कि उस फाइल में 50 कैरेक्टर यूज हुए हैं, ठीक है। चाहे -c यूज करें चाहे -m यूज करें, ये दोनों की वैल्यू आउटपुट में सेम आएगी। तो चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डेमो फाइल क्रिएट कर रखा है, तो सबसे पहले उस डेमो फाइल का कंटेंट चेक कर लेते हैं क्रिएट कमांड की सहायता से। तो ये उस फाइल का कंटेंट है। अब मुझे चेक करना है कि इस फाइल की साइज क्या है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे WC -c और उसके बाद उस फाइल का नेम आपको लिखना है। तो ये शो कर रहा है 162 आउटपुट में। तो इसका मतलब ये है कि इस फाइल की साइज कितनी है, 162 बाइट्स। यदि आप -m ऑप्शन यूज करते हैं WC कमांड के साथ में तो भी इसका आउटपुट भी सेम आएगा। अब ये शो कर रहा 162, इसका मतलब ये हुआ कि उस फाइल में 162 कैरेक्टर यूज हुए हैं। चाहे -c यूज करें WC कमांड के साथ में चाहे -m ऑप्शन यूज करें, दोनों की वैल्यू सेम आएगी आउटपुट में। तो इस तरह आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल के साइज चेक कर सकते हैं या फिर उस फाइल में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने यूज हुए वो आप चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।